जो वीडियो है वो आ गया है और ये एक वीडियो नहीं है यार पूरी सीरीज है मैं जो बना रहा हूँ छोटी सी सीरीज होगी लेकिन आपको यूनोट you know, ट्रेन कर देगी और सारा जो चिट्ठा होता है ना फ्रीलांसिंग का सब आपके सामने खोल के रख देगी सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी इससे तो यार आज के वीडियो में हम जो सीरीज होगी उसका ओवरव्यू देखेंगे पहले तो उसके बाद आज के लिए हमने जो सेशन डिसाइड किया कि आज हमने क्या क्या चीजें देखनी है वो बताऊंगा मैं और शुरू करने से पहले मैं एक चीज और सबको बता दूं कि यार जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का जिक्र मैंने किया था अपने प्रीवियसली किसी वीडियो में वो भी Uh, उसको सेटअप कर रहा हूँ मैं उसको यू you नो know, उसका जो बेस है बेसिकली उसे बना रहा हूँ ताकि पाई पाई पे रजिस्टर कर दूँ और उसका जो बेस uh, वर्जन है वो रेडी हो जाए और उसके बाद मैं उसे पब्लिकली पोस्ट कर दूंगा आप लोग प्लीज सब उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा आप लोग के लिए भी और मेरे लिए भी ऑब्वियसली लर्निंग तो हो ही रही है ठीक है तो वो भी आने वाला है फिलंसिंग की सीरीज आ गई है और काफ़ी अमेजिंग कंटेंट और आने वाला है चैनल पर नहीं हो तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को तो यार पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रीलांसिंग होती है तो ज़रा सी उसकी डेफिनेशन है कि आप किसी और के लिए अपनी कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो इन टर्म्स ऑफ यू नो इन एक्सचेंज आप उनसे पैसे लेते हो या उनका कोई प्रोडक्ट लेते हो तो तो, uh, अगर मैं गूगल की डेफिनेशन बोलूँ तो सेल्फ एम्प्लॉयड और एंड हायर टू वर्क फॉर डिफरेंट कंपनीज़ ऑन पर्टिकुलर असाइनमेंट्स तो ये एक डेफिनेशन हो गई यही फ्रीलांसिंग होती है और uh, अब चलते हैं आगे कि क्या क्या सीरीज़ के पार्ट्स होंगे क्या क्या हम करेंगे सीरीज़ में चलिए तो सीरीज़ का अगर ओवरव्यू दू तो यार पहला जो आज का हमारा एपिसोड होगा उसमें हम गेटिंग स्टार्टेड आ, इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा वीडियो में जो दूसरा हमारा एपिसोड होगा वो होगा यार वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट प्लेटफॉर्म और उनको कंपेयर करेंगे कि यार कहाँ पे काम करना फ़ायदेमंद है कहाँ पे हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है और कहाँ पे हमें यू नो क्लाइंट्स ईजिली मिल सकते हैं कौन सा अगर हमारा ये स्किल है तो हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म ज़्यादा अच्छा होगा तो सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कंपेयर भी करेंगे ताकि आप अपने लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म चूज़ कर पाएँ उसके बाद हम यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोफाइल और प्रपोजल बिल्ड करना बेसिकली पोर्टफोलियो बिल्ड करना आपके लिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज उसी के बेसिस पे आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो पोर्टफोलियो और प्रोफाइल कैसे बिल्ड करते हैं वो सब देखेंगे हम दूसरों के पोर्टफोलियो भी देखेंगे दूसरों की प्रोफाइल्स भी देखेंगे और उनसे इंस्पायर होकर हम ये काम करेंगे और उसके बाद स्ट्रैटेजीज एंड रिसोर्सेज टू गेट क्लाइंट्स ऑब्वियसली एक और जो हमारा पहला क्लाइंट हमें कैसे मिल सकता है क्या स्ट्रैटेजीज हमें फॉलो करनी चाहिए क्या रिसोर्सेज हम यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर दिस प्लेटफॉर्म टू गेट आ फर्स्ट क्लाइंट तो ये सारी चीज़ें हमें हम डिस्कस करेंगे हमारे एपिसोड फोर में और एक और में से थोड़ी सी गलती हो गई है कि फिफ्थ की जगह मैंने वापस फोर ही लिख दिया फाइव लिखना चाहिए था कोई बात नहीं लेकिन हम उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद हम पॉडकास्ट करेंगे बहुत सारे बेहतरीन फ्रीलांसर्स को बुलाएंगे अपने चैनल पे और उनसे एडवाइस लेंगे कि यार आपकी जर्नी कैसी थी आपने कैसे शुरू किया और अभी तक कैसे आप यू नो सस्टेन कर रहे हैं और कैसे इतना अमेजिंग चीज़ें उससे आपको मिल रही है फ्रीलांसिंग डोमेन से ठीक है तो काफ़ी अमेजिंग सीरीज होने वाली है तो प्लीज अपनी फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर इसको शेयर कर देना और चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड से डैट इज गेटिंग स्टार्टेड विथ फ्रीलांसिंग लेट्स शाम

दूसरा नेटवर्क और तीसरा मनी देखिए बहुत सारे लोग आपने देखेंगे बहुत अर्ली एज पे भी फ्रीलांसिंग शुरू कर देते हैं मेरे को पता नहीं उनका मोटिवेशन क्या होता है बट आप अगर अपना मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ मनी रख रहे हैं फ्रीलांसिंग के लिए तो यू वास्ट लॉन्ग इन द फील्ड मतलब यार मनी एक मोटिवेशन रहना चाहिए बट अगर वही से मोटिवेशन है तो यार आप सीख नहीं पाओगे बेसिकली कोई भी काम कर रहे हो उससे अगर आप सीख ही नहीं पा रहे हो तो उस काम को करने का मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है ठीक है और मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आप लोग को क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है फ्रीलांसिंग में को दो साल से ज़्यादा हो गए हैं फ्रीलांसिंग करते हुए और काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट से मेरा इंट्रैक्शन होता है काफ़ी लोगों से मेरी बातचीत होती है काफ़ी ज़्यादा मैंने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है काफ़ी लोगों के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए ग्लोबली ग्लोबल ऑडियंस से मेरा इंट्रैक्शन रह चुका है तो इसलिए मैं आप लोग कोई थोड़ी सी टिप्स हैं जो बता रहा हूँ तो वाई यू शुड डू freelancing पहला ग्रोइंग योर स्किल्स एंड लर्निंग ऑब्वियसली यार अगर आप उस काम से कुछ सीख पा रहे हो अपने अप स्किलिंग कर पा रहे हो तो डेफिनेटली वो चीज़ करनी चाहिए और आप लोग अपनी कॉलेज लाइफ में प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ठीक है और एक डोमेन को फॉलो करते हैं लाइक वेब डेवलपमेंट और एंड्रॉइड डेवलपमेंट या मशीन लर्निंग उसमें प्रोजेक्ट्स बनाते हैं क्या होता है कि थोड़े समय बाद आप उसमें बोरियत होनी शुरू हो जाती है कि यार क्या बार बार प्रोजेक्ट्स बनाएं कुछ मजा ही नहीं आ रहा है लेकिन अगर आपके पास फ्री लैंसिंग के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं अगर वो हैं तो आपको अलग ही मोटिवेशन रहता है क्योंकि एक तो यार वो रियल वर्ल्ड यू नो यूज केस में काम आएंगे कोई ना कोई उसे यूज करेगा तो वो एक अपना मोटिवेशन है दूसरी बात यार आपको उसके लिए पैसा मिल रहा है ठीक है वो काम करने के लिए तो ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है और जो लर्निंग होती है ना यार वो एक्सट्रीम एक्सपोनेंशियल होती है यार क्योंकि वो जो स्किल्स आप वहाँ से ग्रो कर रहे हो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल रहा है आपको रियल वर्ल्ड यूज के एप्लीकेशन से तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है ठीक है सेकेंडली नेटवर्क आज मैं इतने लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ मेरी फ्रीलैंसिंग जर्नी में कर चुका हूँ मतलब ग्लोबल ऑडियंस है मतलब यार कोई भी आप कंट्री ले लो इतने सारे लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता है यार यूएसए से यू से जर्मनी से फ्रांस इटली इजिप्ट और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग होते हैं Uh, तो उनसे काफ़ी इंटरेक्शन होता है तो नेटवर्क आपका इतना ग्रो हो रहा है यार इतने अलग अलग लोगों से आपसे बात आपकी बातचीत हो रही है वहाँ की टेक कम्युनिटी से आपके आपका इंटरेक्शन हो रहा है तो आपका जो पर्सपेक्टिव है अबाउट डिफरेंट थिंग्स बींग टेक ही आप टेक डोमेन से बिलोंग करते हो तो आपको बहुत फायदे वाली चीज़ है कि आपको अराउंड द वर्ल्ड क्या चल रहा है मार्केट में उसके बारे में जानने का मौका मिलता है थर्ड एंड फॉरमोस्ट थर्ड एंड लास्ट रीजन इज मनी ऑब्वियसली यू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्री लैंसिंग में यार ऐसा है कि अगर आप टेक डोमिन से बिलोंग करते हैं आप वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट करते हैं तो उसका आपको लिटरली uh, आपको बहुत अच्छा अमाउंट पे करते हैं यू नो क्लाइंट्स तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है फ्री लैंसिंग शुरू करने के लिए ठीक है तो चलते हैं नेक्स्ट हमारा जो है कि यार वेयर टू डू फ्री लैंसिंग तो कर अब मेरा जो एक्सपीरियंस है ना उसके हिसाब से ही मैं आप लोग के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो पीपल पर आर पे सबसे ज़्यादा रहा है अपव गुरु डॉट कॉम पर रहा है तो ये तीन प्लेटफॉर्म्स मैंने अभी तक यूज़ करे हैं इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स है लाइक फ्रीलांसर लेंसर फाइवर यू नो टैप चीफ टोपटल और बहुत सारे यार टैलेंट बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं लेकिन मैंने इन्हीं को यूज़ किया है पेपर कॉन्टेंट भी एक है आ, तो इनके अराउंड ही हमारी स्टोरी घूमेगी अगर आप चाहते हैं कि मैं जो कंपैरिजन वाला वीडियो होगा या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे जरूर बता देना कि यार भैया ये वाला भी कंसिडर करो ये वाला भी कंसिडर करो ठीक है तो इन प्लेटफॉर्म से हम डिस्कशन रहे होंगे पीपल पर आर भी मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है वहीं मैंने मैक्सिमम जनता के साथ काम किया है और तो इसलिए उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे आप गुरु के बारे में भी इन्फॉर्मेशन काफ़ी शेयर करेंगे ठीक है अब जो थर्ड पॉइंट है यार वो हमारा है वेंट टू तो डू फ्रीलांसिंग अब फर्स्ट ईयर में आप सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली चार साल की आपकी जो जर्नी है आप कभी भी फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं इन फार्ट फर्स्ट ईयर आपको आपका टेक बैकग्राउंड है आप चाहते हैं कि मेरे को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले तो आप फर्स्ट ईयर में ही शुरू कर सकते हैं अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो डेफिनेटली आप डी तो पढ़ ही चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे और आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते होंगे तो डेफिनेटली फ्रीलांसिंग इज द थिंग फॉर यू आप प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए फ्रीलांसिंग का यूज़ कर सकते हैं थर्डली आप अगर मैं पहले फाइनल ईयर की बात करूँ तो फाइनल ईयर जॉब ज्वाइन करने से पहले आपके पास थोड़ा टाइम है अभी तो अभी तो आपके लिए बहुत सही मोमेंट है कि यार जॉब की बात तो आप कर नहीं पाओगे क्योंकि तो अभी का जो तो ड्यूरेशन है इसमें आप फ्रीलैंसिंग का कोशिश कर सकते हो ठीक है अब थर्ड ईयर की बात करूँ तो थर्ड ईयर अभी है ना यार बीच में लटका हुआ होता है कि यार जॉब भी करनी है इंटर्नशिप भी है तो क्या करें लेकिन थर्ड ईयर के लिए भी मैं बताऊँ कि अगर आपकी डी एस प्रिपरेशन पूरी हो गई है आपके कुछ प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं और आप कॉन्फिडेंट दें अपनी डी ए से प्रिपरेशन में कि यार सही चल रहा है प्रोजेक्ट्स पे थोड़ा ध्यान दे लेते हैं तो प्रोजेक्ट्स के लिए और थोड़ी यू नो एक्सपीरियंस के लिए आप फ्रीलैंसिंग कर सकते हैं और uh, तो आप किसी भी ईयर ऑफ कॉलेज में हो अपने अकॉर्डिंग आप फ्रीलैंसिंग शुरू कर सकते हैं अब आता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार फ्रीलांसिंग करे किसकी वॉट टू फ्रीलांस देखो यार हर चीज़ की फ्रीलांसिंग होती है सच बताऊँ तो आप कंटेंट राइटिंग लिख सकते हैं कॉपी राइटिंग कर सकते हैं आप फोटोशॉप और अडोप प्रीमियर प्रो पे लोगों के लिए यू नो फोटोशॉप कर सकते हैं एडोप प्रीमियर प्रो पे वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं पोस्टर क्रिएटिंग यू नो डिजिटल आर्ट क्रिएशन ये सारी चीज़ें हर चीज़ की फ्रीलांसिंग होती है लगभग ठीक है तो इन और ये जो प्लेटफॉर्म जो मैंने बताए हैं इन पर इन सारे डिपार्टमेंट्स में इन सारे में फ्रीलांसिंग होती है तो आप ये चेकआउट आपका जो डोमेन है आप उसमें फ्रीलांसिंग कर सकते हैं बट हम मोस्टली यहाँ पे टेक क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो मोस्टली टेक इंडस्ट्री से बिलोंग करती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डोमेन से बिलोंग करती है तो हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे तो हमारे लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट डोमेन्स है जिसमें फ्रीलांसिंग कर सकते हैं वो है वेब डेवलपमेंट एंड्रॉइड डेवलपमेंट मशीन लर्निंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इन सभी डोमेन्स में आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं जो मेजर डोमेन्स डोमेन्न में आप जो मेन स्ट्रीम डोमेन्न में बहुत ज़्यादा आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे इन वेबसाइट्स पर वो होती हैं वेबसाइट डेवलपमेंट और सी एम एस सी एम एस होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जैसे कि यार वर्ड प्रेस हो गया लैरावेल हो गया वू कॉमर्स हो गया तो इन सारे जो यू नो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के जो प्लान टूल्स हैं उन सब पे बहुत ज्यादा अभी डिमांड है बेसिकली लेकिन इन सारी चीजों को हम यू you नो know, आगे के एपिसोड में डिस्कस करेंगे बेसिकली कौन सा स्किल इन डिमांड है कौन सा नहीं है किस पे आपको अच्छे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं ठीक है तो हमारे वॉट टू तो फ्रीलांस वाला पॉइंट भी हम यहीं खत्म करते हैं अब हाउ टू तो फ्रीलांस अब शुरू कैसे करनी करनी क्या क्या करना पड़ेगा क्या क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करनी पड़ेगी कैसा पोर्टफोलियो होना चाहिए क्या प्रोफाइल बनाना चाहिए क्या प्रपोजल होना चाहिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसलिए इसको मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा है पूरी सीरीज़ को और बहुत मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ कि ये अगर सीरीज आप फॉलो करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका ज़रूर मिलेगा और होपफुली आपको पहला प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा आपका ठीक है तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे शेयर करनी थी यार थैंक यू फॉर योर टाइम और डेफिनेटली हैव अ गुड डे एज वेल तो यार इसके अलावा भी आप चाहते हैं कि मैं सीरीज में कुछ और ऐड करूँ तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बता देना ये सीरीज डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी अभी जॉब ज्वाइन करने से भी पहले बहुत लोगों के पास टाइम है तो वो इस चीज़ को परस्यूव कर सकते हैं जस्ट टू अर्न अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी और टू गेन सम एक्सपीरियंस विद अ पर्टिकुलर टेक्सटैक तो ये वो तो लोग फॉलो कर सकते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स भी अभी वेकेशन आ रहा है तो वो इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को मैं नहीं बोलूँगा बिकॉज उनका प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीजन होता ही है फोर्स नहीं करूंगा लेकिन आपका मन है आपकी प्रिपरेशन तगड़ी है तो प्लीज आप इसको फॉलो कर सकते हैं तो यार वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जैसे कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में बताया थोड़ी रीच कम हो रही है बट कोई बात नहीं आप लोग शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली रीच भी बढ़ जाएगी सीरीज और अमेजिंग कंटेंट आ रहा है तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में तब तक के लिए पावे ठीक है